हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी होने लगी। बीते 24 घंटे में देश में 2,22,315 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यह आंकड़ा पिछले 38 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 15 अप्रैल को 2,16,000 नए केस मिले थे। नए केस भले ही कम हो रहे हों, लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। पिछले 24 घंटे में 4,454 मरीजों की जान गई। राहत की बात यह कि एक दिन में 3,03,720 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद भी मरने वालों की तादाद कम नहीं हो रही। मई में हर रोज औसतन 3,500 मौतें हुई। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया में अब तक सिर्फ दो देशों में कोरोना के 3,00,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। इनमें अमेरिका पहले और ब्राजील दूसरे नंबर पर है। देश में कोरोना से मौतों की संख्या 1,00,000 तक पहुंचने में करीब 6.5 महीने लगे थे। 1 से 2 लाख होने में 7 महीने से कुछ कम का वक्त लगा। वही 2 से 3 लाख मौतें 1 महीने से भी कम समय में हो गई। बीते 13 दिन में ही कोरोना ने 50,000 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली। अब आपको राज्यों में कोरोना के नए केस का अपडेट बताते हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,672 नए केस सामने आए। इस दौरान 594 मरीजों की मौत भी हो गई। सिर्फ मुंबई की बात करें तो 24 घंटे में 1,431 नए केस आए और 49 मरीजों की मौत हुई। देश की राजधानी में कोरोना के डेली केस में लगातार गिरावट देखी जा रही। दिल्ली में एक दिन में 1,649 नए केस आए, जो 30 मार्च के बाद सबसे कम है। वहीं 24 घंटे में दिल्ली में 189 मरीजों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी में 24 घंटे में 4,844 नए केस आए और 234 मरीजों की मौत हो गई। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।